देखिए दोस्तों, ये है एनसी एलिमेंट, ठीक है। इसमें देखिए एक नंबर लिखा रहता है और ये दो नंबर लिखा रहता है। इधर से सप्लाई इन करते हैं, इधर से आउट कर दे दोनों, ठीक है। तो ये कंडक्टर पे, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में ऐसे फिट होता है। ये देखिए, ये लॉक रहता है, ये लॉक को कुछ करना नहीं है, ऐसे लगाएंगे और ये ऐसे इसको दबा देंगे तो ये फिट हो जाता है, ठीक। निकालते टाइम में इस ऐसे लॉक को ऐसे निकाल के फिर ऐसे ऊपर को खींचते हैं तो वे ऐसा निकलता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इस एनसी एलिमेंट के अंदर जो एडन ब्लॉक रहता है, इसके अंदर किट कैसे काम करती है, ठीक है। तो इसको आइए ओपन करते हैं। देखिए इसके ऊपर एनसी, ये देखिए इसका पूरा लिखा है, ठीक, ये लिखा है एनसी, ठीक है, ठीक। ये देखिए लिख रहा है एक्जुलरी कॉन्टेक्ट ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद में ये सीमेंस कंपनी का है, ठीक। अब इसको खोलते हैं, इसके अंदर का किट को देखते हैं कैसे क्या रहता है, ठीक है। अब देखें, ये ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये किट है, एक इधर से सप्लाई इन होती है और इधर से आउट होकर निकलती है, ठीक है। तो जब ये कंडक्टर पिकअप होता है तो ये इधर को जाता है, ठीक है, ये इधर जाता है, ठीक, ऐसे। फिर ये ले जाता है तो फिर ये ऐसे चिपक जाता है, नॉर्मल बेस में ऐसे चिपक जाते हैं। तो ये देखिए, अभी नॉर्मल में, नॉर्मल जो रहता है, नॉर्मल एनसी का तो नॉर्मल क्लोज रहता है। तो ये ऐसे सर्किट पूरा कंप्लीट ही रहता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये दोनों किट आपस में टच है। जब ये कंडक्टर पिकअप करता है तो ये यहाँ से इसको, ये माउंट को ये खींच देता है, तो ये एनओ बन जाता है। फिर जैसे कंडक्टर बंद होता है तो फिर आप अपने आप ही वर्जर पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में पहुँचते, तो ये एनसी बचा, ठीक है। ये हमारा एनसी एडन ब्लॉक का।